बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा मतलब में खुश आमदीद। आज की वीडियो में बात करेंगे मसाने की गर्मी की वजह से होने वाले जो मर्दाना अमराज हैं उसका शिकार कई लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगा इलाज करवाने के बावजूद उनके मसाइल हल नहीं होते। कतरे आना, नफ्स का ढीलापन, माता मनविया का पतलापन और शादी को कुछ अरसा गुजारने के बावजूद औलाद का ना होना, जिसमें मर्द के स्पर्म की कमी और उसकी क्वांटिटी और मोर्टेलिटी जो है वो कमज़ोर होती है, कम होती है, तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग मसाइल का शिकार होते हैं। तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और ठीक नहीं होते, या ऐसे लोग जिनको कतरों का मसला है और काफ़ी अर्सा हो गया इलाज करवाते हैं। और इस तरह के तमाम मसाइल के लिए बेहतरीन नुस्खा हमारा आजमाया हुआ है, आप भी आजमाएँ और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह यकीनी फ़ायदा होगा। 5 अजा पे मुश्तमिल ये नुस्खा बआसानी बहुत कम कीमत में आपको पंसार से मिल जाएगा। आप ये ख़ुद घर में चीज़ें ला के खुद तैयार करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इस्तेमाल के चंद दिन के अंदर ही आपको इसका बहुत ही हैरत अंगेज रिज़ल्ट मिलेगा और आपके जो तमाम मसाइल हैं वो यकीनी तौर पर हल होंगे। बहुत ही कारामद मुजरब और बहुत ही नायाब और हैरत अंगेज रिज़ल्ट वाला ये नुस्खा 5 अज़ा पे मुश्तमिल है। सबसे पहले आपने लेना है तुख्मे भिंडी, ये सारी चीज़ें आपको पंसार से मिल जाएंगी। तुख में भिंडी लेनी है, तुख में सरस लेना है, बूंद कीकर लेनी है, तुरंत जमीन लेना है, ये 4 चीज़ें होंगी। इनको साफ करके कूट छान के बारीक पीस लें और इसमें इन्हीं के बराबर ये हम वज़न ये चीज़ें लेनी है। 4 चीज़ें हम वज़न ले के 5वीं चीज़ जो है वो भी इसी हम वज़न है, वो बगैर कूटे इसमें मिक्स कर देनी है और वो है छिलका इसबगोल, ठीक है। ये आप इसकी मकदार खुराक 1 टीस्पून है, सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करें। चावल, आलू गोभी और बड़ा गोश्त और इस तरह की गैस बाटी वाली चीज़ों से परहेज़ करके ये नुस्खा इस्तेमाल करें। आखिर में आपको ये लिखा हुआ भी मैं शेयर कर दूंगा, जिसको समझ ना आए वहाँ से देख लें, आप इस्तेमाल करें, यकीनी फ़ायदा होगा। इजाज़त चाहेंगे, अस्सलाम वालेकुम।